तीनों को सुबह सुबह आज मस्ती सूझी है। इसकी आजकल रोज की सुबह रोज की रात ऐसे ही होती है। पीना क्या हुआ? हाँ मम पूरा क्यों नहीं खाया तूने? हाँ पीना इधर सोएगा, इधर सोएगा बच्चा मेला, इधर सोएगा। सो जा, जा सो जा, जा सो जा, सो जा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मस्ती करते करते पैरों पे सो गए थे, जैसे उठ के मैं डस्टबिन रखने बाहर गई, ये देखो उसका चालू है मेरे पीछे पीछे घूमना। इंसानों से तो अच्छे ये लोग होते हैं जो बिना जबान के बोले इतनी मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत हम छोड़ नहीं पाते। इंसान मोहब्बत करके बस धोखेबाजी के सिवा कुछ नहीं करते, ये सच बात है, ये हकीकत है। क्योंकि ये चीज़ जो भी मैं बात करती हूँ ना जिंदगी में, उसका एक्सपीरियंस कर ही रहती हूँ, या उसके साथ में उस वक्त के साथ वो बीता हुआ चीज़ होती है जो मेरे साथ हो, या मैंने किसी के साथ देखती हूँ ये चीज़ें, तो ही मैं ये बातें करती हूँ। पर लोगों को लगता है कि जो मीठी मीठी बातें करते हैं, जो बहुत प्यार जताते हैं, तो वो बहुत सच्चे होते हैं, वो बहुत अपने होते हैं। वो कभी अपने नहीं होते, वो सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। ये सही बात है, आप भी कमेंट में लिखना ज़रूर, क्योंकि आप कमेंट में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हो और मैं कभी उसका आंसर नहीं करती हूँ। पर ये बातें ज़रूर लिखना कि ये सच बात है, अपने वाले भी धोखा देते, पर कैसा होता है कि रिश्ते होते हैं, रिश्ते हम छोड़ नहीं पाते। जो आपको बताओ, इतना बड़ा रिश्ता होता है जो माँ बाप का, वो बच्चे भी अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं, तो फिर और दूसरी बातों में क्या बातें करें। ये बात सच है ना, क्योंकि आप लोग कमेंट तो बड़े अच्छे लिखते हो, पर जो चीज़ें समझने की होती है उस बातों को भी लेके आप हवा में उड़ाते हो, पर उस बातों से सीखो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, तो आगे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो मेरे जैसे एज वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमेशा ही मेरी बातों को समझते हैं, और मेरी बातों में कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखते हैं जो मुझे रूबरू जब लोग मिलते हैं ना। और मेरे जैसी एज वाले, मेरे से थोड़ी कम एज वाले, पर छोटे लोगों का तो पता नहीं, छोटे लोग तो आके बस सेल्फी लेते, प्यार जताते, तो वो मुझे इतना नहीं आइडिया। लेकिन हाँ, हम उम्र की जो लोग मिलते हैं मुझे, तो मुझे इतना लगता है कि वो लोग ये बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे मिलते हैं। और बहुत बहुत, मैं तो बहुत सारी लोग, लेडीज लोगों की आंखों में तो आंसू भी देखती हूँ जब वो मुझे मिलते हैं, हग करते हैं मुझे। तो बना रही हूँ अपने लिए चाय, और बच्चे तो सोए हैं, क्या पता शायद अमीन का मूड नहीं है जिम जाने का, और अली भी सोया क्योंकि उनका दोस्त यूएसए आया है, तो रात को वो दोनों गए थे लेने। और एक बात बोलूंगी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो मेरे टूटे हुए रिश्ते, छूटे हुए रिश्ते ने, अल्लाह पाक ने उसमें इतनी बरकत दी है कि बस वो आज मेरे दिल के करीब, कल भी मेरे दिल के करीब थे। पर होता है ना कि सोने को भी जब तक आप आज नहीं दिखाओ तब तक वो सोना नहीं बनता, तो हो सकता है हमारे रिश्तों में कुछ खलल होगी जो अल्लाह पाक ने उसको जला के तपा के वो रिश्ते को मजबूती दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ही अपने बच्चों की तारीफ करती हूँ, तो हमेशा ही चाहती हूँ कि हर माँ बाप को ऐसे बच्चे मिले जो उनके खिदमतगार हो, उनके लफ्ज के मुंह से जो लफ्ज निकले वो लफ्ज अभी पूरा खत्म नहीं हो तब तक वो पूरा करे। क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे तो ऐसे ही है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी की औलाद ऐसे ही हो। और अभी तो फिलहाल सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई है, क्योंकि मैं हमेशा यही सोच के साथ रहती हूँ, यही सोच के साथ उठती हूँ, और यही सारी चीजें भी दिल की आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको कोई दिल से लेता है, इसको कोई दिमाग से लेता है, और इसको कोई नफरत से लेता है, तो वो अपनी अपनी मर्जी होती है। बस एक लास्ट कबर्ड बचा था, ये भी हो गया है क्लीन, और इसमें से मुझे कुछ चीजें मिली, और ये बैग भर के, ये जो बैग है खास करके मैंने ली थी बगदाद से, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे बिस्किट्स खरीदे थे तो मुझे हल्की चीज़ों के लिए एक बैग चाहिए था, तो ये बैग मैंने स्पेशली बगदाद से ली थी। तो ये बैग भर के अभी मैंने कपड़े निकाली हूँ, सलवार कुर्ता, खास करके जीन्स सलवार कुर्ते देने के लिए, और पर्स भी काफ़ी सारे बाहर जाने वाले। पर ये कब आए थे मुझे पता ही नहीं, जब अब अंदर साफ करने लगी तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है मुझे। देखो सायरा सत्तानी के नाम की कीचेन स्पेशली, और उसी के साथ एक कीचेन, ये सबसे ज़्यादा मुझे कीचेन अच्छी लगी है, कितनी खूबसूरत है देखो, है ना। और इसके साथ साथ ये भी एक गले में पहन सकते हो आप, मुझे पत्थर ज़्यादा पसंद है, तो ये पत्थर के बनाए हुए कुछ अलग हटके चीज़ें। और इसके साथ फिर से एस की कीचेन,
और ये जो है ये कैंडल लाइट डिनर के लिए आप कैंडल यूज कर सकते हो। ये भी मुझे गिफ्ट आया था, वैसे ही पड़ा है अंदर, याद ही नहीं कि कब आया और कब रखी हूं मैं। तो जो जो चीजें साफ करने के लिए खोल रही हूँ तो काफी सारी चीजें निकल रही है और काफी नई चीजें मिल रही है मुझे। पहला मेरी मेरी शक्ल दिखा कि किस अवतार में मैं अपने लिए पराठे बना रही हूँ। दो दो जने यहाँ पकाने वाले, एक को भी नहीं आता है। कैसे आज की पीढ़ी है, कुछ नहीं आता, सिर्फ रील बनाने आता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने आता है, खाना बनाने कुछ नहीं आता है। मैं थक गई इन लोगों को सता सता सिखा सिखा के, ये लोग मुझे सताते हैं। देखिए आवाज आ रही है ना, दोनों की आवाज आ रही है। और मैं सोच रही हूँ आज एक गाना बनाऊ, कौन सा पता है? जान दे यार, ये इमेज मेरी नहीं है, ये इमेज मेरी नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तू भी गाने एक नाम तो बता दो। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और कल जो मैंने आपको नोज रिंग और उसके साथ साथ इयररिंग्स दिखाई थी, आज उसकी बारी आ गई है। बहुत जल्दी आपको अभी मस्त एक रील मिलने वाली है, ये तो व्लॉग कल आएगा। अगर नहीं देखे होंगे आज, मतलब कल, तो देख लेना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके रील्स। और देखो इसके साथ की इयररिंग अच्छी लग रही है ना, जो नोज पिंक ये दिखाई थी मैंने आपको। देखो इसके मैचिंग के भी मैंने पहने ऊपर दो, कैसे लग रहे। साड़ी भी, आई थिंक ये साड़ी का आज लास्ट डे है मेरा। क्या करने वाली इसको मैं, बोल जल्दी, हटा देने वाली हूँ। इतनी खूबसूरत काम वाली भाई कभी देखी है आप लोग ने? पगार कितना देगा? पगार देने वाला कोई कीमत ही नहीं है इतनी खूबसूरत। ये डाइट वाले बेटे के लिए, ये मस्त लबरेज खाने वाले बेटे के लिए। वीडियो देखो और मजे करो, है ना, समझे समझे? अभी वो डालू क्या ट्यून हंसने का वापस? ओ एकदम मेहनत करते हैं मम्मी सब चीज के लिए। देखो कलसी भी उठा के चल रहे हैं अभी। कोई चीज पाने के लिए जब आपके जुनून उस पर डालते हो ना, तभी वो चीज आपके पास आती है, उसी को मेहनत का फल और मेहनत की चीजें मानी जाती है। मुझे जो ब्लू टिक मिला है, मुझे जो मिलियन में लोग चाहते हैं, तो उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ 50 साल की उम्र में। और ये जो मेहनत कर रही हूँ, रियल में पानी मटका भरा हुआ है, उसको लेके मैं जा रही हूँ रील बनाने के लिए। और उसी के साथ साथ मेरे जो गर्मी में प्यासे हो गए ना झाड़, उनको पानी डालने के लिए। ओ एकदम गुस्से में फेंके, भस्म हो जा पानी। पानी भस्म मत हो जाओ, चीजें भस्म हो जाओ। काली माता का रूप, काली माता जो बोलती है वो सच होता है। और हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपको पता है कि काली माता का जो क्रोप होता है, गुस्सा होता है, सब चीज को जला के भस्म कर देता है। रील बना के आने के बाद फिर बच्चों के साथ खाए खाना, उसके बाद में फिर थोड़ा दूसरा काम, उसके बाद में फिर मैंने अपने बालों में कलर किया, क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि बालों में थोड़ी सफेदी आने की वजह से बूढ़ा बूढ़ी ज्यादा फेमस हो जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, जवानी रहो, ज्यादा फेमस नहीं होना अपने को बूढ़ा बूढ़ी के नाम से। तो इसीलिए कलर वलर करवा लिए, थोड़ा सा जो काजल लगाई थी वो अभी भी है, अभी जस्ट नहा के शाम को आई हूँ। तो अब वही रेगुलर जो रहता है मेरा रूटीन वो, उसके बाद में शाम को आज मस्त डिनर बनाऊंगी और दिल चाह तो मंगा भी लूंगी। जो बीत गया वो कल था, जो आज है वो अपना है। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अच्छी बुरी खरीदी हो या दुख हो सब चीज। पर मैंने कभी इमोशनल में आप लोगों को दिखा के कभी अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश नहीं करी। ये मुझे अच्छा लगता है कि जिंदगी जैसी आपको चलाती है आप वैसे ही जिए और खुश रहिए।